देख सकते हो दोस्तों, खाना ही खा रहा था। एक बढ़िया साइज का रोहू बैठा है। देख सकते हैं इधर कुमार लगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुणे फिशिंग लाइफ। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर निकल पड़े अपन भीमा नदी को दोस्तों, रोहू का शिकार के लिए। अभी देखते हैं, वो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं, तो क्या स्ट्राइक होता है क्या नहीं करके। तो चैनल पे जो नए दोस्तों वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। एक रोड देख सकते हैं, दो रॉड पे खेल रहा हूँ मैं। और एक देख, उधर एक आटे का गुच्छा गल, चार गल का गुच्छा लगा है हुक का। तो रॉड इस तरह से मैं लगा रहा हूँ ताकि मशीन और रॉड सही तरह से रहता है। नीचे रखेंगे तो थोड़ा घिस जाता है मशीन वगैरह, तो इसका मैं थोड़ा सा टेप केयर करके मैं ऐसा लगा रहा हूँ अभी फिलहाल में। इधर भी चार, दो इधर, इधर दिखाओ, इधर भी दो लगा चुका हूँ। और दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ, फीडर का चारा एकदम नॉर्मली पीस के लाया है, जो जैसा मिलेगा वैसा घर से एकदम गड़बड़ से लाया मैंने पीस के, और ब्रेड डाला है, बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं आज एकदम सिंपल वेट बना के लाया है एकदम गड़बड़ में। तो देखते हैं अभी डालवा के, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, क्या नहीं पता लगेगा अभी थोड़ी देर में। तो इस तरह से मैं चारा भर रहा हूँ अभी। दोस्तों फिर से मैं फीडर पे ही खेल रहा हूँ, फीडर पे ही गेम हो रहा है आजकल ज़्यादातर। ये काफ़ी देर तक रुक जाता है पानी के अंदर, तो अभी फर्स्ट कास्टिंग कर रहा हूँ मैं, देखते हैं फिर इधर। इधर इधर मारो, इधर इधर जाओ सामने, इधर इधर रुको, इधर और इधर 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 आ जाओ। दोस्तों फर्स्ट कास्टिंग हो चुका है, देखते हैं अभी कितने देर में इसका रिजल्ट मिलता है। टाइम भी काफ़ी कम है अभी, और बारिश का भी अनुमान है, तो बारिश भी होने वाला है दोस्तों। उससे पहले अगर शिकार हो पाया और वीडियो बन गया तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए वीडियो पे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, खाना ही खा रहा था। एक बढ़िया साइज का रोहू बैठा है, ड्रैग की पावर देख सकते हो आप, क्या जबरदस्त घुमा रहा है एकदम। अरे रुक जा भाई, चलो उधर लेते, आगे निकलने के लिए आसान है उधर, आ जाओ जल्दी। जल्दी आ जाओ पीछे, उधर ही चलो आगे। दोस्तों देख सकते हैं साइड से दे रहा है, thank you।
मुसीबत हो रहा है, मुसीबत हो रहा है नीचे से आई के देखो, आई नीचे से लग रहा है। अरे यार उधर मत जा यार बोलने का, सब मोटर है ना संदीप? हाँ सब मोटर है, सब मोटर है। हाँ ऊपर से हूँ क्या, ऊपर से आता मैं। मोटर में तो नहीं घुस गए, थोड़ा पीछे उधर उधर इधर आ जा इधर। काफ़ी थक चुका दोस्तों, इधर काफ़ी थक चुका है, इसको डायरेक्ट आप बाहर की सड़ते। अरे 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 हाँ लाओ इसके ऊपर, काफ़ी बढ़िया साइज है दोस्तों, मैक्सिमम एक 4 से 5 किलो का साइज है। काफ़ी रनिंग किया था, खाना खाते खाते ही रॉड उठा लिया। उसका 2 नंबर का गल देख सकते हैं दोस्तों, और पीला पावा पे लग चुका है, काफ़ी बढ़िया है साइज, उठा के देख सकते हैं, बढ़िया सा रनिंग किया है दोस्तों। हाँ बिग साइज गुड कैच, चलो देख सकते हैं दोस्तों अपना फीडर का चारा ये लोग खा रहे। देख सकते हैं इधर कुआ लगे, हाँ अरे इधर घुमा मैं बोलने का जाने दो, काफ़ी दिनों के बाद इसको बख्श चुका हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मछली वो, तो मैं फेंक दे रहा था इतने दिनों से, तो उसकी भी जान है, जाने दो उसको बख्श देते आज। दोस्तों आज एक ही रो पे बस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बारिश होने वाली करके जल्दी पैकअप करके यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो एक पे बस करेंगे आज, करीबन 5-5.5 किलो का रहेगा बाई चांस। लेकिन देख सकते हैं ऊपर दिखाओ, इतने काले बादल छाए हुए हैं कि अभी जल्द से पैकअप करके निकलना पड़ेगा। एक ही रो बैठ चुका है अभी, मैं तो और एक दो रो बैठ जाता था, लेकिन इतना बारिश होने वाला है शायद लग रहा है, कि देखेंगे थोड़ा फिर भी इंतज़ार करेंगे, अगर जल्दी से बारिश हो गया तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये भी काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी, तो चलो